चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे हैं। आज हम जो पेंट करने वाले हैं वो है ये वाला पेंटिंग। ये वाला पेंटिंग करने के लिए मैंने जो रेफरेंस लिए हैं वो है हाई इन द स्काई फोटोग्राफी, जो कि इंस्टाग्राम प्रोफाइल है एक फोटोग्राफर के। मैं उनका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन पे, आप उनका प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। वो बहुत ही बढ़िया फोटोग्राफी करते हैं। मैंने एक और भी पेंटिंग किया हुआ है उनके प्रोफाइल पिक्चर से, एक प्रोफाइल के पिक्चर से। या वो भी मैं दे दूंगी लिंक, आप वो भी देख सकते हैं। वो भी एक वेब सर्फिंग की वीडियो है, पेंटिंग की वीडियो है। तो मैंने कुछ कलर्स ऑर्डर किए थे हेवी बॉडी एक्रेलिक्स, जो कि ब्रस्टो प्रोफेशनल्स के हैं। ये वाले एक टाइटेनियम वाइट, ये वाला कलर, ये वाला बहुत ही प्यारा शेड है। एक्वा ग्रीन लाइट और ये वाला थेलो ग्रीन, देख सकते हैं आप, डार्क शेड है थेलो ग्रीन। ये तीनों ही ओशन पेंटिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कलर्स हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट कलर्स हैं। तो कहीं मत जाइएगा, पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि इसका रिव्यू है। मैं इस पेंट को खोलने वाली हूँ पहली बार और ट्राई करने वाली हूँ इस पेंटिंग के दौरान, तो कहीं मत जाइएगा और पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमने यहाँ पे तीन कलर्स ऑर्डर किया है फ्रॉम ब्रास्ट्रो। तीनों बहुत ही प्यारे कंटेनर्स में आए हैं और अनडैमेज्ड हैं। हमारा पहला कलर है टाइटेनियम वाइट, दूसरा कलर है थेलो ग्रीन, जो कि एक डार्क शेड है, और हमारा तीसरा कलर है एक्वा ग्रीन लाइट, जो कि बहुत ही प्यारा सा लाइट शेड का ओशन कलर है और टील ब्लू कलर जैसा है। इनमें से हम थेलो ग्रीन को खोल के देखेंगे कि ये कैसा प्रोडक्ट है। कंटेनर का ऊपरी भाग एक टाइट फॉइल से सील किया हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इट कम्स इन अ 50 ml पैक, ये 50 ml का पैक है। इसको 4-star रेटिंग मिला हुआ है सीरीज 2 का थेलो ग्रीन। दिस इज़ फ्रॉम ब्रास्ट्रो, कंपनी है ब्रास्ट्रो, फ्रॉम क्रिएटिव हैंड्स। तो चलिए इसे खोल के देखते हैं। बहुत ही नाइस शेड है इस कलर का। तो चलिए देखते हैं एक पैलेट नाइफ लेकर कि इसका थिकनेस कैसा है। इट लुक्स लाइक बहुत ही क्रीमी और बटरी टेक्सचर है इसका, जैसा कि एक हेवी बॉडी कलर को होना चाहिए। तो अभी थोड़ा सा कलर लेके हम देखेंगे कि ये दूसरे कलर के साथ रिएक्ट कैसे करता है। ये बहुत ही नाइसली मिक्सअप हो रहा है और फील्स बहुत ही स्मूथ बटरी। लगता है आज बहुत ही मज़ा आने वाला है पेंट करने में। एज़ यूजुअल हम हमारा बेस लेयर पेंट करेंगे। ये कलर पैलेट में अभी जो मिक्सचर बनाया है वही कलर है, उसमें है टाइटेनियम वाइट, कोबाल्ट ब्लू ह्यू और हमारा थेलो ग्रीन। इससे बस एक ही लेयर करने के बाद आई मस्ट से कि दूसरे कलर से 2-3 लेयर करने के बाद भी जो फील नहीं आता है, इससे फर्स्ट लेयर से ही वही फील आता है। ये बहुत ही नाइस ओपेक एंड हाई डेंसिटी पेंट है गाइस, और ये फ़र्क आप खुद ही जान पाओगे अगर आप मेरे दूसरे वीडियोस देखोगे। तो अभी हम ड्राई ब्रशिंग करके इस पेंटिंग में थोड़ा सा डेप्थ लाएंगे। इसके लिए हमने सेम कलर मिक्सचर में
बस थेलो ग्रीन थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। और इस दौरान हमें पानी नहीं यूज़ करना है गाइस। अभी हम सेम ड्राई ब्रशिंग टेक्निक से वेव पार्ट करेंगे। इसके लिए हमने लिया है एक्वा ग्रीन लाइट ब्रशों का, और ये प्योर एक्वा ग्रीन लाइट है स्ट्रेट फ्रॉम द कंटेनर, इसमें कोई भी अदर कलर्स मिक्सअप नहीं है। अभी हम दोनों साइड पे स्मच करेंगे थोड़ा सा बाहर निकलते हुए डार्क शेड्स की तरफ। इसमें हम हमारे वेव का फोम पार्ट बनाएंगे। अभी हम हमारे फोम पार्ट बनाएंगे जस्ट लाइक ट्री ब्रांचेस, शाखाएं जैसे बनाए जाते हैं, जस्ट उसी तरह। हमें बस बहुत सारे टेढ़े मेढ़े लाइंस बनाने हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, जो कि कुछ छोटे होंगे तो कुछ बड़े। और इस पार्ट के लिए मैंने जो कलर यूज़ किया है वो है थोड़ा सा एक्वा ग्रीन लाइट और थोड़ा सा वाटर। यहाँ आपको पानी यूज़ करना है गाइस, नहीं तो आपके ब्रश अटक अटक के चलेंगे और स्मूथ लाइंस नहीं मिलेंगे। दूसरे तरफ के जो वेव्स है वो हम कुछ अलग तरीके से बनाएंगे। कलर हमारा सेम ही रहेगा पर थीन लाइंस बनाएंगे, बहुत ही पतला पतला। कोई भी पेंटिंग बनाने के लिए पेशेंस बहुत ही ज़रूरी है। जितना आप धीरे धीरे करोगे उतना ही पेंटिंग अच्छा बनता जाएगा। कोई भी जल्दी नहीं है, कोई भी हड़बड़ी नहीं है, आपको बहुत ही धीरे धीरे और ध्यान से ये लाइंस बनाने हैं। अभी हमें सेम टेक्निक फिर से दोहराना है, बीच का पार्ट ड्राई ब्रशिंग करके और अदर पार्ट्स थोड़ा सा वाटर डाल के करेंगे। इस लेयर में मैंने बस यूज़ किया है थोड़ा सा टाइटेनियम वाइट ज़्यादा, सेम वही एक्वा ग्रीन लाइट और थोड़ा सा टाइटेनियम वाइट ज़्यादा लेकर मैंने ये लेयर बनाए हैं। अगर आपके पास डिटेलिंग ब्रश होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, उससे आपको ज़्यादा नाइस फिनिश मिलेगा। अगर आपके पास कोई डिटेलिंग ब्रश नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, आपके पास जो भी कम नंबर का ब्रश है वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब एक्वा ग्रीन लाइट के साथ वाइट का मात्रा और भी ज़्यादा बढ़ा के हमें फिर से वही टेक्निक करना है। ऐसे ही हमें 3 से 4 टोटल लेयर्स बनाने हैं। बस याद रहे कि जितना ज़्यादा लेयरिंग होगा उतना ज़्यादा पेंटिंग अच्छा बनता जाएगा। जितना ज़्यादा हम लेयर्स ऐड करेंगे उतनी ज़्यादा डेप्थ आएगी एक पेंटिंग में, उतना ही ज़्यादा रियलिस्टिक फील आएगा। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या आप सिर्फ छोटे छोटे कैनवासेस पे ही पेंटिंग करते हैं? जी नहीं, मैं सभी तरह के कैनवासेस पे पेंटिंग्स करती हूँ। लॉकडाउन के दौरान मेरे पास कोई बड़ा कैनवास नहीं है, इसलिए मैं छोटे कैनवासेस पे ही पेंट करके बता रही हूँ कि कैसे पेंट किया जाता है। हालांकि दोनों अलग है पर पेंटिंग के तरीके एक ही है, टेक्निक्स एक ही है, बस कलर्स थोड़ा ज़्यादा लगता है। अभी हमने पैलेट नाइफ से ब्रशों का हेवी बॉडी टाइटेनियम वाइट कैनवास के बीचों बीच लगा दिया है और वाइट से ही हम ये लाइंस बना रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो कलर हमने पैलेट नाइफ से लगाया है वो हमें कितना नाइस वेवी टेक्सचर दे रहा है। सूख जाने के बाद ये बहुत ही नाइस एक 3D इफेक्ट देगा। हेवी बॉडी होने के कारण पैलेट नाइफ के साथ इसका रिश्ता बहुत ही बेहतरीन है गाइस। इससे आप एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग भी कर सकते हैं, उससे आपको बहुत ही एक नाइस थिक टेक्सचर मिलेगा और देखने में 3D फील आएगा एक। अगर आप मेरे इस पेंटिंग को ट्राई करते हैं तो यू कैन टैग मी ऑन माई इंस्टाग्राम ताकि मैं आपके प्यारे प्यारे पेंटिंग्स देख सकूं और इंजॉय कर सकूं। मैंने लिंक दे रखी है मेरे डिस्क्रिप्शन पे, यू कैन चेक देयर। और भी प्यारे प्यारे पेंटिंग्स और रिव्यूज़ आने वाले हैं तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और साइट में जो बेल बटन है वो दबाना मत भूलिएगा।
उससे आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो चलिए अभी बारी है हमारे सर्फ मैन बनाने की। हम पहले उसका सर्फिंग बोर्ड बनाएंगे। इसे करने के लिए हमने लिया है लेमन येलो। अभी हम वो सर्फिंग करता हुआ इंसान बनाएंगे और इसके लिए हमने लिया है थेलो ग्रीन और थोड़ा सा ब्लैक कलर का मिक्सचर। अभी हमें बहुत ही धीरे धीरे उसका बॉडी पार्ट्स बनाना है। बस धीरे धीरे करते रहिए, कोई भी जल्दी नहीं है। ये इंसान बेंड होके आगे की तरफ झुक के सर्फिंग कर रहा है, तो हम थोड़ा सा व्हाइट लेके इसके बॉडी के आगे की तरफ एक छोटा सा सर्कल बनाएंगे जो कि इसका हेड यानी कि सर बनेगा। अभी हम इसके बॉडी पार्ट्स को और ज़्यादा प्रोमिनेंट बनाएंगे। पैर थोड़ा आगे की तरफ झुका हुआ, और अब ये बन गया हमारे इंसान का दूसरा हाथ। अभी हम व्हाइट लेके इसके बॉडी के चारों तरफ और सेंटर में प्रोमिनेंट कर लेंगे पूरा पार्ट, जितना भी बॉडी पार्ट्स है, ताकि इसके बॉडी पोस्चर थोड़ा क्लियर दिखे। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। यू कैन आस्क मी हियर। आप कमेंट करके बता सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि कौन से प्रोडक्ट का रिव्यू आपको देखना है, या फिर दूसरे कोई फोटोग्राफर का फोटोग्राफी आप मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मुझे आपके सारे सवालों के जवाब देने में बहुत ही खुशी मिलेगी। दिखने में तो ये बहुत ही छोटा सा एक आदमी है, पर यही पार्ट बनाने में भी आपको थोड़ा बहुत टाइम लग सकती है, बट दैट्स टोटली ओके। मैं वही सेम बात फिर से दोहराना चाहूँगी कि जितना भी ज़्यादा टाइम लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा बनेगा आपका पेंटिंग। एक पेंटिंग बनाने में पेशेंस बहुत ही ज़रूरी है। क्या आप बता सकते हैं कि ये पेंटिंग बनाने में मुझे कितना टाइम लगा है? एनी गेसेस? तो हाँ, मुझे ये पेंटिंग बनाने में 3.5 से 4 घंटे टाइम लगा है। मैंने फर्स्ट ड्राइंग के लिए कोई भी ब्लो ड्रायर यूज़ नहीं किया है गाइस। मैंने हर एक लेयर को ऐसे ही नॉर्मल एयर में सूखने दिया है। पर हाँ, अगर आप चाहें तो फास्ट ड्राइंग के लिए कोई भी ब्लो ड्रायर या हेयर ड्रायर यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, एक बात ज़रूर याद रखना कि हर एक लेयर अच्छे से सूखना चाहिए, फिर आप दूसरे लेयर पे जंप कर सकते हैं। तो अभी हम उसके हेयर के लिए यूज़ कर रहे हैं येलो और थोड़ा सा ही ब्लैक का एक मिक्सचर, जिसमें येलो ज़्यादा है और ब्लैक बहुत ही कम। उसके बाद हम एक छोटा सा डॉट देंगे वाइट का, बालों का साइन समझाने के लिए। अभी हम वेव के ऊपर इस इंसान का एक शैडो पार्ट ऐड करेंगे। और अभी बारी है हमारे सर्फिंग बोर्ड को
थोड़ा सा प्रोमिनेंट बनाने का, थोड़ा कलर्स ऐड करके प्रोमिनेंट बनाना है, थोड़ा बॉर्डर्स डाल के ताकि ये प्रॉपरली दिखे। और टडा, हमारे पेंटिंग बनने के बाद ऐसा दिखेगा। तो मेरा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है ऑन ब्रशस्ट्रो हेवी बॉडी एक्रेलिक्स, उसमें मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये बहुत ही थिक, बटरी, हाईली पिगमेंटेड, ओपेक एंड नाइसली टेक्सचर्ड कलर है। यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपने बहुत ही एंजॉय किया होगा मेरा ये वीडियो। मुझे सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे पेंटिंग्स के वीडियो ला सकूं। मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे और पिंटरेस्ट पे भी। मैं सभी जगह पे एक ही नाम पे बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। और ये सारे वीडियोस जो मैं बनाती हूँ वो आप ट्राई करके मुझे टैग कर सकते हैं ऑन माय इंस्टाग्राम, ताकि मैं देख सकूँ कि आपने जो पेंटिंग्स किया है वो भी मैं इंजॉय कर सकूँ। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आप वो तीनों कलर्स ख़रीदना चाहते हैं तो मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन पे, आप वहाँ से डायरेक्ट लिंक पे जाके वो ख़रीद सकते हैं। और ट्राई करके बताइए कि आपको कैसा लगा पर्सनली ये कलर्स यूज़ करके। अगर आप कोशिश करते रहेंगे तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। So never stop dreaming and never give up. Okay? तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।